तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं आईपीएल में रिलीज हुए सभी टीमों के प्लेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में। मुंबई इंडियंस ने कुल 10 प्लेयर को रिलीज किया है, वो है एडम मिल, एजोरी जोसेफ, बारिंदर सरान, बेन कटिंग, बरून हेंड्रिक्स, इवन लुइस, जेसन बेरेंडॉफ, पंकज जायसवाल, राकेश धर और युवराज सिंह। मुंबई इंडियंस के पास अभी पर्स में रिमेनिंग मनी है 13.05 करोड़। उसके बाद बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग के बारे में। चेन्नई सुपर किंग ने कुल 6 प्लेयर को रिलीज़ किया है, वो है चैतन्य बैष्णोई, डेविड विली, ध्रुव सोरी, मोहित शर्मा, सैम बिलिंग्स और स्कॉट कुगरलैंग। चेन्नई सुपर किंग के पास पर्स रिमेनिंग मनी है 14.60 करोड़। उसके बाद आते हैं दिल्ली कैपिटल्स के तरफ। दिल्ली कैपिटल्स ने कुल 9 प्लेयर को रिलीज़ किया है, वो है अंकुश बाइंस, बी आयप्पा, क्रिस मॉरिस, कॉलिंग इंग्रम, कॉलिंग मनरो, हनुमा बिहारी, जैजल सैक्सन, मंजत कॉल और नाथुन सिंह। दिल्ली के पास पर्स रिमेनिंग मनी है 27.85 करोड़। अब बात करते हैं सनराइज़ हैदराबाद के बारे में। सनराइज़ हैदराबाद ने कुल 5 प्लेयर को रिलीज़ किया है, वो है दीपक हुड्डा, मार्टिन गुप्टिर, रिकी भुई, शाकिबल हसन और यूसुफ पठान। सनराइज़ हैदराबाद के पास पर्स रिमेनिंग मनी है 17 करोड़। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। कोलकाता ने कुल 11 प्लेयर को रिलीज़ किया है, वो है आर्चन नॉर्जे, कार्लोस बैथवेट, क्रिस लिन, जोई डेल, केसी करियप्पा, मैट कैल, निखिल नायक, पीयूष चावला, पृथ्वी रॉय, रॉबिन उथप्पा और सिखान मांडे। कोलकाता के पास अभी कुल पर्स रिमेनिंग मनी है 35.65 करोड़। अब बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब के बारे में। किंग्स इलेवन पंजाब ने कुल 7 प्लेयर को रिलीज़ किया है, वो है अग्निवेश आचार्य, एंड्रू टाई, डेविड मिलर, मोजेक हेनरिक्स, प्रभिशिरम सिंह, सैम कुरन और वरुण चक्रवर्ती। के चेन पंजाब के पास अभी पर्स रिमेनिंग मनी है 42.70 करोड़। राजस्थान रॉयल्स ने कुल 10 प्लेयर को रिलीज़ किया है, वो है आर्यमन बिरला, एस्टन टर्नर, इसाक सोधी, जयदेव उनरकट, लिविंगस्टोन, ओसन थॉम्पसन, प्रशांत चोपड़ा, राहुल त्रिपाठी, शुभम रंजन, स्टुअर्ट बिनी और सूरज मिथुन। राजस्थान रॉयल्स के पास अभी पर्स रिमेनिंग मनी है 28.90 करोड़। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बारे में। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने कुल 12 प्लेयर को रिलीज़ किया है, वो है आकाशदीप नाथ, कॉलिंग डी ग्रैनहोम, डेल स्टेन, हेनरी कैल्सन, हिम्मत सिंह, कुलवंत खिजुरिया, मार्क्स टॉयनेस, मिलंद कुमार, नीथन कुल्टनायर, प्रियस रॉय बर्मन, सिमरन हेडमायर और टीम साउदी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास पर्स मनी रिमेनिंग है 27.90 करोड़। अभी बात करते हैं आईपीएल में सभी टीमों के रिमेनिंग पर्स मनी के बारे में। तो सबसे ऊपर है किंग्स इलेवन पंजाब 42.70 करोड़ के साथ। उसके बाद आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स 35.65 करोड़ के साथ। उसके बाद आते हैं राजस्थान रॉयल्स 28.90 के साथ। उसके बाद आते हैं आरसीबी 27.90 करोड़ के साथ। उसके बाद आते हैं दिल्ली कैपिटल्स 27.85 करोड़ के साथ। उसके बाद आते हैं सनराइज़ हैदराबाद 17 करोड़ के साथ। उसके बाद आते हैं चेन्नई सुपर किंग 14.60 करोड़ के साथ और आखिरी में आते हैं मुंबई इंडियन 13.05 करोड़ के साथ। इन सभी रिलीज प्लेयर में से आपको कौन सा प्लेयर लगता है जो टीम छोड़ के गलती किए हैं, वो हमें बताने के लिए प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।